अब हम बात करेंगे अंग्रेजों के बारे में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कि किस प्रकार से भारत आई और कैसे कैसे क्या घटनाक्रम रहा, ठीक है, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, इनाम याद रखना है, एक सभा का आयोजन किया। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य 1599 में एक कंपनी का गठन किया, तो लंदन में और लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, द लंदन ट्रेडिंग इन टू इंसर्ट इंडीज, यानी पूर्व के द्वीप समूह, जितने भी पूर्व के देश थे उनमें इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम 31 दिसंबर 1600 में एक आज्ञा पत्र द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार। तो शुरुआत में जब 1600 में रानी एलिजाबेथ ने अनुमति दी, तो वो 15 वर्षों के लिए दी थी कंपनी को, कि आप पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हो। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। कोई भी कंपनी है तो उसमें कौन होता था, उस समिति में एक समिति बनी, उस समिति में एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 14 अन्य सदस्य थे। यही समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको शॉर्ट में COD बोलते हैं, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानी गई। कैप्टन हॉकिंग के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह में आया। बहुत महत्वपूर्ण है ये आता है कि कैप्टन हॉकिंग का नाम आपको पता होना चाहिए, उसके जहाज हेक्टर और सन 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, हॉकिंग प्रथम अंग्रेज था जिसने समुन्दर के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। आपको याद रखना है कि भारत की भूमि पर कदम रखने वाला जॉन हॉकिंग्स प्रथम अंग्रेज था। जहांगीर के नाम ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। तो कि उस समय भारत का बादशाह कौन था, जहांगीर, और ब्रिटिश जो सम्राट जिनके उसमें आया था वो जेम्स प्रथम थे। हॉकिंग्स को तुर्की एवं फारसी भाषा का ज्ञान था। उसने मुगल दरबार में फारसी भाषा में बात की। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हॉकिंग कौन कौन सी भाषा जानता था, तुर्की और फारसी। जहांगीर ने 400 मनसबदारी प्रथा उस समय जो चलती थी, तो यदि आए कि कौन सा ब्रिटिश है जिसको 400 मनसब प्रदान किया, तो वो जॉन हॉकिंग्स है। जहांगीर से हॉकिंग्स ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी और जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। तो क्या इसको चाहिए था, सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति, और एक ये भी आता है इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी, तो इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने दी और हॉकिंग्स को दी। 1610 से 11 ईस्वी में कैप्टन मिडिलटन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। एक आता स्वाली का युद्ध, तो स्वाली का जो युद्ध है वो 1610-11 में पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए, या आप ऐसे है कि पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया जिससे जहांगीर प्रभावित हुआ था, यानी इससे जहांगीर को भी समस्या हुई। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत के स्थायी कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी, और 1611 में पहले मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा नामक राज्य का मुख्य बंदरगाह हुआ करता था उस समय, और गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया जिसके अनुसार 500 पगोडा वार्षिक कर के बदले व्यापार की अनुमति। तो यहाँ आपको रखना है याद कि इस गोल्डन फरमान किसने दिया था, गोलकुंडा के सुल्तान ने, और ये दिया था 1632 में, आपको ध्यान रखना है, और 500 पगोडा वार्षिक के बदले। 1639 में फ्रांसिस डे ने अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे में लिया तथा वहां एक किलाबंद कोठी बनाई जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था, या फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज, ये दोनों आपको नाम याद रखना है, यदि इनमें से कुछ भी आता है तो आपको मालूम होना चाहिए। तो किससे अनुमति ली, चंद्रगिरी के राजा से, फ्रांसिस डे ने। अंग्रेजों ने 1611 में हुगली में व्यापारिक कोठी बनाई, ये भी याद रखो।
1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सर टॉमस रो। ठीक है, 1661 में इसी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आ चुका है कई एग्जाम में, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप दिया, यानी चार्ल्स कौन हुआ, ब्रिटिश हुआ, और मुंबई मुंबई किसने दिया, पुर्तगालियों। तो यदि पूछा जाए कि अंग्रेजों को मुंबई किससे प्राप्त हुई, तो पुर्तगालियों से। ठीक है, पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई को दिया, क्योंकि राजकुमारी कौन है, पुर्तगाली है, तो दहेज के रूप में उन्होंने मुंबई दे दिया। 1668 में सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पौंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। अब जब सम्राट को दहेज मिल गई, तो दहेज का जो मिला था मुंबई, वो कंपनी को 10 पौंड के वार्षिक किराए पे दे दिया गया। तो कंपनी को मिला ब्रिटिश से, और ब्रिटिश को मुंबई मिला पुर्तगालियों से, ये आपको लिंक याद रखना है। बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार बम्बई का संस्थापक माना जाता है, आपको याद रखना। यदि पूछा जाए मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गेराल्ड ओंगियार मुंबई का वास्तविक संस्थापक है। हुगली पर अधिकार के पश्चात अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना और राजमहल में कारखाने लगाए। 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 ईस्वी में दो अन्य कंपनियां स्थापित की गईं, इनमें एक जनरल सोसाइटी तथा दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। तो दो कंपनी और बनी, एक है जर्नल सोसाइटी और दूसरी है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ये दो कंपनी और बनी, ये भी भारत आएंगी व्यापार करने के लिए। जब ये दोनों कंपनियां बन जाएंगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका बाद में विलय भी हो जाता है, और अब उतना ज्यादा काम का यहाँ पे है नहीं। आप ये भी देख सकते हैं इसके बाद कि जॉब चार्नाक ने अगस्त 1690 में सुतानाती में एक अंग्रेज कोठी स्थापित की। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी कोलकाता की नहीं, तो ये क्या है कि जॉब चार्नाक का संबंध है कोलकाता की स्थापना से, या कोलकाता में जो समय चीजें शुरू हुई, जैसे राजधानी बनाया जब ब्रिटिश ने शुरुआती में, तो जॉब चार्नाक की वजह से ही बना। तो ये आपको नाम याद रहे, जॉब चार्नाक किस तरह से कुछ है तो आपको टिक करना है। अक्टूबर 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, परंतु औरंगजेब द्वारा पराजित होने पर भी हुगली से भाग खड़े हुए, ये ध्यान रखना है। औरंगजेब इनको पराजित भी, जितने समय तक औरंगजेब रहेगा उस समय तक ब्रिटिश उतना ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाएंगे भारत में। अक्टूबर 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, ये ध्यान रखना है, लेकिन बाद में अंग्रेजों औरंगजेब से पराजित हो गए। बंगाल की सूबेदार अजीम उस शान 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुतानी, कलकत्ता और गोविंदपुरा नामक तीन गांव की जमीन जमींदारी प्रदान की गई। ठीक है, अब एक देख लेना है आपको, नारिस मिशन क्या है, यदि कभी आता है तो। 1698 में राजा विलियम तृतीय ने एक कंपनी बनाई जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई है। किसने बनाई थी, इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने। और इसका क्या काम था, इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करना, वही आके ईस्ट में व्यापार करना, और सर विलियम नारिस को औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया, इसलिए इसको नारिस मिशन कहते हैं। काम वही है, ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करना। जॉन सरमन मिशन भी है एक, जो 1715 ईस्वी में कंपनी ने 1715 ईस्वी में जॉन सरमन की अध्यक्षता में कोलकाता से एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा था, जॉन सरमन के नेतृत्व में। इस दूत मंडल, अब आपको ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि जो जॉन सरमन है वो कहाँ जाएगा, मुगल दरबार में जाएगा। और कौन कौन रहेगा जॉन सरमन के साथ दूत मंडल में, एडवर्ड स्टीफेनस एक नाम हो गया, विलियम हैमिल्टन, ये एक डॉक्टर है, सर्जन है, और ख्वाजा सहरुद्दीन नामक। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हैमिल्टन है, ये बादशाह फर्रुखसूअर की एक बीमारी को ठीक कर देगा। हैमिल्टन क्या है, सर्जन है, और उस समय मुगल बादशाह कौन है, फर्रुखसूअर है। तो फर्रुखसूअर को एक बीमारी होती है जिसको हैमिल्टन ठीक कर देगा, इससे फर्रुखसूअर खुश हो जाएगा और 1717 में एक शाही फरमान जारी करेगा। अभी हमने
गोल्डन फरमान पढ़ा था, ये है शाही फरमान। तो शाही फरमान जारी करता है फर्रुख सियर 1717 में। और इस शाही फरमान में क्या चीजें होती हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें रहता है कि 3,000 वार्षिक कर के बदले कंपनी बंगाल में मुक्त व्यापार, यानी बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट कब मिली कंपनी को, 1717 के शाही फरमान के बाद। और अगला फरमान में ये होता है कि 10,000 वार्षिक कर देने के बदले कंपनी को सूरत में भी सभी कर मुक्त कर दिए गए। ये चीजें आपको ध्यान रखना। साथ में ये कहा गया कि मुंबई में कंपनी जो सिक्के ढालेगी, सिक्के वो संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाए जा सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण 3 चीजें हो गई शाही फरमान के अंतर्गत। पहला, बंगाल में मुक्त व्यापार मिल गया, सूरत में मुक्त व्यापार मिल गया, भले उसके बदले कुछ पैसा देने पड़े, 3,000 वार्षिक कर और 10,000। और साथ में जो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो बम्बई में सिक्के ढाले गए थे वो अब पूरे मुगल साम्राज्य में चला सकते थे। अब ये जो ऊपर 3 चीजें हुई हैं शाही फरमान के बाद, इस घटना को ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्स, ऑर्स आपको नाम रखना है, ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्स ने इसी को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। शाही फरमान को मैग्ना, ठीक है, कार्टा कहा है किसने, ऑर्स ने, आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसके पहले का तो बाकी कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा आप चाहो तो यहाँ भी देख सकते हैं।